नमस्ते फ्रेंड्स, प्रीति के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज पार्ट थ्री में हम देखेंगे प्लाजो की स्टिचिंग। तो प्लाजो की स्टिचिंग कैसे की जाती है, तो अब क्या करना है इसमें, ये मेरा जो प्लाजो है इन दोनों को इस तरह से सीधी ओर रख कर अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो हमें आधे तक सिलाई लगानी है और इसमें हम म्यानी को अटैच करेंगे। तो म्यानी को अटैच करने के लिए मैंने इस तरह से इसे सीधा रख लिया है और इसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। अब देखिए, मैंने एक तरफ साइड में म्यानी को अटैच कर लिया है, तो सेम इसी तरह से अभी हमें दूसरे पल्ले को भी म्यानी के साथ अटैच कर देना है। तो देखिए, इस तरह से पकड़ के इसे अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने म्यानी को अटैच कर लिया है और देखिए इस तरह से अटैच करके अब ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी म्यानी को अटैच कर लेंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने दोनों तरफ म्यानी को अटैच कर लिया है। अब हम प्लाजो को उल्टा कर देंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने सिलाई कर ली है। अब सिलाई करने के बाद हम नीचे हाफ हाफ इंच इसे फोल्ड कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमें फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगानी है। एक बात का ध्यान रखें, आप फोल्ड करने के टाइम पे कपड़े को खींचेगा नहीं, अगर आप खींचोगे तो उसकी फिनिशिंग अच्छे से नहीं बैठेगी। लीजिए, बस इस तरह से अब लगाएंगे हम इलास्टिक। इलास्टिक लगाने के लिए सबसे पहले हम इलास्टिक का मेजरमेंट कर लेते हैं। तो हमारा जो मेजरमेंट आया था वो है 38 ओवर टोटल। तो 38 में हम हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई के लिए। तो ये हमारी इलास्टिक रेडी हो गई है। अब पहले क्या करना है, इसे एक फोल्ड कर देंगे हाफ इंच अंदर की तरफ और एक इंच की दूरी पे इसको इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और पूरे में इस सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगा के फिर हमें एक इंच तक ये जगह छोड़ देनी है ताकि हम इलास्टिक इसके अंदर डाल सके। तो इसके लिए मैंने सेफ्टी पिन ले ली है, इलास्टिक को उसमें अटैच कर दिया है और अब हम जहाँ पे वो एक इंच का गैप छोड़ा था वहाँ से अच्छे से उसके अंदर सेट कर देंगे इलास्टिक को। तो इस तरह से इलास्टिक हमारी डल गई है। अब क्या करेंगे, इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद अब हम यहाँ पे सिलाई कर देंगे, पक्की सिलाई कर देंगे ताकि वो निकले ना, जो एक्स्ट्रा है उसे काट करके इसको अंदर अच्छे से सेट कर देंगे और जो ये जगह ओपन है यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी इलास्टिक इसके अंदर डल गई है और हम बीच में इलास्टिक के बीच में एक सिलाई कर लेंगे ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। कपड़े को थोड़ा खींचना है और फिर उसके ऊपर सिलाई करनी है। हमारी जो बीच में जो सिलाई थी वो भी रेडी हो गई है। देखो, इस तरह से हमारा इलास्टिक का काम कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये 4XL की प्लाजो रेडी हो गई है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए और जितना हो सके आपके फ्रेंड्स लोगों के साथ भी इसे शेयर कीजिए।